Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel The Glammy. Abhi, I am Abhilasha Ujjain. I am vlogging today a super fun video. मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को करते हुए देखा था, फूड चैलेंज, येलो फूड चैलेंज, पिंक फूड चैलेंज, ब्राउन फूड चैलेंज. तो आज हम करने वाले हैं येलो फूड चैलेंज फॉर लेजिट 24 आवर्स, जिसमें हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब येलो फूड ही खाने वाले हैं. उसके अलावा और कोई कलर नहीं होगा, वरना चीटिंग हो जाएगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेलकम टू माई किचन. आज फाइनली हम अपने किचन में आए हैं. एक्चुअली मेरे पास दो चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट के लिए, मैगी एंड पोहा. पोहा घर पे बना हुआ मैं खाती हूँ, लेकिन उसमें प्याज होता है तो हम वो नहीं बना सकते क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं. और ये मॉम्स का पोहा मुझे इतना पसंद नहीं है क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं बनाने वाली. आज हम बनाएंगे मैगी. मैगी के साथ एक और चीज़ है जो प्लेटिंग के टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी. मैगी भी हम सिंपल बनाएंगे, इसमें कोई भी प्याज नहीं डाल सकते हम, ना ही मटर, ना ही ऐसे जितनी क्यूट सी मैगी दिख रही है ऐसी नहीं बनाएंगे हम. सिंपल सी मैगी बनाएंगे येलो कलर की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया और कोई कलर ऐड होगा तो चीटिंग हो जाएगी. तो आज हम बनाने वाले हैं सिंपल सी प्लेन सी मैगी. सो चलते हैं और देखते हैं क्या बनता है. सो मुझे फ्राई पैन नहीं मिल रहा है तो इसलिए आज हम इसमें बनाएंगे मैगी. है तो ये चाय वाला, कोई बात नहीं, हम मैगी फ्राई करेंगे. सो फाइनली पानी बॉईल हो चुका है, मैगी उसमें डल चुकी है, लेकिन मैं आपको अपने पहले प्याज से मिलाना चाहती हूँ है कि ये मैगी मसाला, मतलब मेरे को ये इतना पसंद था. मुझे आज भी याद है जब मेरी सिस्टर और मैं मैगी बनाते थे, हम लोग लिटरली फाइट करते थे अगर ये दो पैकेट डलने होते थे, एक तो हम दोनों मिलके खा ही लेते थे. सो यस, दिस इज़ माई ट्रू लव. सो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है. यम्मी यम्मी मैगी. उसके अलावा एक और चीज़ है, वो है ढोकला. फटाफट से खा लेते हैं. ढोकला भी ट्राई करते हैं. वैसे मैं ये साथ में तो नहीं खाने वाली हूँ, पर ट्राई करता हूँ. मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मेरे को एक दो काम बाहर के हैं वो निपटा के अब हम मिलेंगे डायरेक्ट लंच में. सो फाइनली गाइस, इट इज़ द लंच टाइम एंड आई एम स्टार्विंग, क्योंकि ब्रेकफास्ट इतना होलसम नहीं था कि उससे इतना पेट भर सके, बट ठीक है. अब देखते हैं हम लंच में क्या खाते हैं. एक्चुअली येलो फूड में एक येलो दाल होती है, तो हम सोच रहे हैं दाल से ही काम चलाएं आज. तो येलो दाल विद राइस. राइस लेकिन हम वाइट राइस नहीं खाएंगे क्योंकि येलो चैलेंज है, तो कोई और कलर लेंगे वो चीटिंग हो जाएगी, इसलिए हम फ्राइड राइस कर देंगे. आई नो ये कॉम्बो थोड़ा अजीब है, बट यार ठीक है, काम चला लेंगे आज का. त्रियोनी के चक्कर में हम नॉर्मल फ्राइड राइस बनाएंगे, क्योंकि नवरात्रे के चक्कर में हम प्याज यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम सिर्फ जीरा, नमक, मिर्ची और हल्दी वाले फ्राइड राइस करेंगे. सो फाइनली हमारी येलो प्लेट रेडी हो चुकी है, जिसमें ये येलो दाल है, येलो फ्राइड राइस और ये यूनिबिक के स्नैपर्स हैं जो पोटैटो चिप्स एंड बिस्किट का मिक्सचर है. सो
गाइस लंच के बाद मेरे को कुछ एडिटिंग का काम था, असाइनमेंट का काम था, जो कि मैंने कर लिया है। शाम हो चुकी है, अब हम चलते हैं बाहर और देखते हैं येलो चीज़ों में और क्या क्या एक्साइटिंग मिल सकता है और हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं। सो फाइनली हम मार्केट आ चुके हैं और गर्मी का टाइम है, कुछ ठंडा ना पिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो पहले मैं जा रही हूँ मैंगो शेक पीने, क्योंकि मैंगो शेक एक ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है जो मेरी सुबह से क्रेविंग हो रही है ना कुछ अच्छा खाने की, वो कंप्लीट कर देगी। क्योंकि ये येलो फूड चैलेंज है तो इसमें जितनी भी चेरीज थी मैंने नहीं खाई है, क्योंकि वो रेड एंड ग्रीन कलर की थी और अगर मैं खा लेती तो थोड़ी सी चीटिंग हो जाती, इसलिए मैंने सिर्फ शेक शेक पिया है और उसके अलावा चेरीज नहीं खाई है। शेक पीने के बाद यहाँ पे हम आए थे पेस्ट्री खाने, तो येलो कलर की हमने पेस्ट्री ली बटर स्कॉच की। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और अब डिनर का टाइम है। मेरे को आए हुए भी 2 घंटे हो चुके हैं, अब देखते हैं डिनर में क्या बना है और हम क्या खाते हैं। सो फाइनली डिनर रेडी है। आज डिनर में येलो खिचड़ी है येलो पापड़ के साथ। जल्दी से फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं। सो फाइनली मेरा डिनर ओवर हो चुका है। एक लास्ट चीज में जो लेके आई थी वो ये माजा थी जो मैंने नहीं पी है, तो मैं इसको भी पी लेती हूँ। सो इसी के साथ मेरा फूड चैलेंज खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं ऐसे फूड चैलेंजेस और आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हाँ प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई होप यू विल ऑल स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। बाय।